अपने साथी की मौत से गुस्साए किन्नरों ने पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के लोहिया पथ को घंटों जाम कर रखा है। आप साफ तौर से तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बीच सड़क पर अगजनी की गई है और दर्जनों पत्थर पड़े हुए सड़क पर। दरअसल अभी से थोड़ी देर पहले यहां पर एएसपी पहुंचे थे संदीप सिंह, और कहीं ना कहीं उसके बाद आक्रोशित किन्नरों ने उनके साथ बदसलूकी की और उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन किन्नरों पर जमकर लाठियां बरसाई है। और लाठियां बरसा रहे पुलिसकर्मियों पर इन किन्नरों ने भी जमकर पत्थर बरसाए हैं। साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही है जिस तरह से सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, गाड़ियां टूटी हुई बीच सड़क पर गिरी हुई है। ये इस पूरे हालात को दर्शा रही है कि किस तरह का आक्रोश अभी से थोड़ी देर पहले यहां पर रहा है। आपको बताते चले कि इन्हीं आक्रोशित किन्नरों को समझाने के लिए एएसपी सदर यहां पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर जमकर लाठीचार्ज किया गया है। और इन किन्नरों ने भी एएसपी संदीप सिंह के साथ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की है। हमारे साथ रेशमा जी, हम बात करते हैं। रेशमा जी, अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, आपको भी चोटें लगी? संदीप सिंह का जो रवैया है वो बहुत ही गलत है। उसने आते ही कहा कि भाषण मत करो, लाठीचार्ज करो। ये क्या कम्युनिटी के ऊपर लाठीचार्ज, हत्या होने के बाद लाठीचार्ज होती है? ये कहाँ से उचित है? कौन सा ऐसा प्रशासन है कि जो हमारे साथ में हत्याएं होने के बाद लाठी चार्ज की जाती है? लाठी चलाया, हम लाठी पकड़ने गए तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ। इस तरह से ये हाथ जो चोट लगी है इस लाठी चार्ज में किन्नर को, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से इन लोगों को एक सुबह में एक डेड बॉडी जो है मिली, उसमें जो है जो हमारे किन्नर समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। बॉडी को जो है हम लोग उनको समझा बुझा करके बॉडी को जो है हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। हत्या कैसे हुई है उसकी पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी, और इसमें जो है हम लोग त्वरित गति से अनुसंधान करके ये पता करेंगे। रोड़े बरसाए गए हैं, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है, लाठीचार्ज किया गया है। इस बात को जब मैं आया यहाँ पर आया तो पता चला कि कुछ जो है दोनों लोगों में बहस हुई है, तो अभी बहुत शांति तरीके से जो है इन लोगों से बात हो गई है। अभी किसी तरह की कोई बात नहीं है, हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। कुछ झड़प हुई है, फिर उसमें जो है इन लोगों के द्वारा जो है बहसबाजी जो है दोनों तरफ से हो रही थी, और बाकी जो मामला जो है उसमें हम लोग जाँच कर। लाठियों से चोट लगी है और साफ तौर से इसी का आक्रोश पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के लोहिया पथ पर देखने को मिल रहा है। यही वो श्रीराम अस्पताल है जहाँ इनके साथी की मौत हुई है, और उसके बाद से पूरी स्थिति चरमरा सी गई है। देखिए अभी भी बीच सड़क पर डेड बॉडी को रखा गया है, अगजनी की गई है, प्रदर्शन जारी है, और इसी को काबू करने के लिए एएसपी संदीप सिंह यहां पहुंचे थे, जिनके साथ मौके पर मौजूद किन्नरों ने हाथापाई तक की है, और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने इन किन्नरों पर जमकर लाठियां चटकाई हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।